नीलिमा ने भी एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है। अभी घर भी बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगेगा अम्मा, जैसे कभी हमारी नंदनी और अंबर की किलकारियों से अपने गांव की हवेली गूंजा करती थी। हमको आज भी याद है कैसे गांव की हवेली माँ, सुबह की शुरुआत, आपकी पूजा की तैयारी और हम तीनों को पुकारने से हुआ करती थी। अरे राजा, क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। हम तुझे नहीं पकड़ेंगे। क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। नंदिनी तो छोटी है ना बेटा, वो गिर। राजा भैया, अरे कहा था ना हमने, राजा अपनी नंदिनी बहना को कभी नहीं गिरने देगा अम्मा। और उस दिन को तो हम कभी नहीं भूल सकते अम्मा, जब हमें और नंदिनी में शर्त लगी थी कि उसकी मेहंदी पहले बनती है या हमारा चित्र। हमने उस दिन अपने घर, अपने परिवार का चित्र बनाया था। 1, 2, 3 स्टार्ट। अम्मा चलिए चलिए, अम्मा चलती है। लगाना तो हमका है ना। अब राजा भैया को दिखाने जाते हैं। अपनी मेहंदी के साथ मेरा चित्र भी बिगाड़ दिया। आज हम नहीं तुझे छोड़ेंगे। अम्मा, अम्मा। आपने उस दिन नंदिनी की शुभ हाथों का छाप का मतलब समझाया था अम्मा। पहले इस चित्र में खाली रंग भरा हुआ था, लेकिन अब नंदिनी के मेहंदी वाले हाथ लगने से इमा प्रेम का असली रंग भी चढ़ गया है। अब लगता है कि ई घर में रहने वाले लोग आपस में बहुत प्यार करते हैं। प्यार? आपकी ममता के आंचल में आपका प्यार तो बहुत मिला अम्मा, लेकिन बाबा का प्यार कभी नहीं मिल पाया। बाबा बहुत देरी से आएंगे। तो बाबा इतनी देरी से आते ही क्यों हैं? उन्हें पता है हम सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, फिर भी वो सोते रहते हैं। हमें तो लगता है बाबा हमसे प्यार ही नहीं करते। बेटा, तुम्हारे बाबा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो हमारे रक्षक हैं। वैसे हमारे लिए सिर्फ आपका प्यार ही बहुत था अम्मा, लेकिन भगवान से शायद हमारी खुशी देखी नहीं गई, इसलिए हम बच्चों को अनाथ बनाकर आपको अपने पास बुला लिया भगवान ने। इच्छा पूरी करने के लिए हम बाबा को ढूंढने गए थे। बाबा, उठो बाबा। क्या? उठो। क्या? बाबा। क्या? माँ सीढ़ियों से गिर गई है। बाबा गिर गई है? हाँ। मरी तो नहीं है? हमसे बात करो। बाबा
वचन दे कि तू हमेशा अपने भाई बहन की हमेशा रक्षा करेगा, उनका कोई भी दुख कोई भी कष्ट नहीं आने देगा बेटा। वचन दे अम्मा, हम वचन देते हैं अम्मा, हम वचन देते हैं। साथ छोड़कर गई और उसी रात हमें पता चल गया था कि अब हमारी हवेली भी छूटने वाली है। रात को कसदार बाबा से मिलने आए थे। कोर्ट का ऑर्डर है हवेली खाली करने का और नोटिस मैंने सुबह ही आपकी पत्नी को आकर के दे दिया था। अरे सारी जमींदारी तो तूने धन्नू बाई के तिजोरी में बंद कर दी, घर खाली तो करना ही पड़ेगा। राजा बेटा जल्दी से आ जाओ। कहा था अम्मा बाबा मुसीबत माँ हमेशा साथ देंगे, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत माँ ही बाबा हमारा साथ छोड़कर चले गए। तुम लोग यहाँ ठहरो,
हम तुम्हारे लिए अभी खाने का इंतजाम करके आए थे। यहाँ से कहीं जाना मत। जल्दी आइएगा बाबा। कर रहे हो? वो हम लोग अपने बाबा का इंतजार कर रहे हैं। वो खाना लाने गए ना हमारे लिए। नहीं आएगा, यहाँ कोई नहीं आएगा। यहाँ एक बार अपने बच्चे को जो कोई छोड़ के जाता है ना, वो लौट कर कभी वापस नहीं आता। ये अनाथालय है, अनाथालय। अनाथालय में जाकर लगा था कि हमें आसरा मिल गया है, लेकिन वो लोग तो हमारी नंदिनी को हमसे दूर भेज देना चाहते थे। अम्मा, आपको दिया वचन हम कैसे तोड़ देते? अम्मा, नंदिनी को खुद से दूर कैसे भेज देते हम? इसलिए उस रात हम अंबर और नंदिनी के साथ वहां से भाग गए। जब से तुम लोग यहाँ आए हो, मैं बराबर देख रही हूँ कि तुम तीनों में कितना प्यार है। सच कहा था राजा तुमने कि नंदिनी की भलाई तुम्हारे साथ है। तुम लोग यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। हाँ बेटा, भाग जाओ। आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अम्मा के बाद आज आपके पैर छूने का मन कर रहा है। हमें नहीं पता था कहाँ जाना है, हमें नहीं पता था कहाँ करना है। हम तो बस ये जानते थे अम्मा कि किसी भी हाल में नंदिनी और अंबर को अपने साथ रखना है, आपको दिया वचन निभाना है। फिर बहुत मुसीबतें आई अम्मा, बहुत मुसीबतें आई। का का नहीं करना पड़ा हमें, का का नहीं सुनना पड़ा हमें। साहब, मेरे भाई बहन बहुत भूखे साहब, खाने के लिए पैसे नहीं है साहब। तो फ्री में खाना लेगा? नहीं नहीं, आप हमसे कोई भी काम करवा लीजिए। काम करेगा? हाँ जी। तू तैनू की चाहिए? मेरी तनख्वाह। मेरी तनख्वाह? तुझे तेरे भाई बहन को मुफ्त में खाना मिल जाता है, क्या कम है?
काम सिर्फ तू करता है और रोटी तेरे भाई बहन भी खाते हैं। एक गल सुन, उन्होंने कहे कि तेरे नाल काम पे हाथ बटा करे वरना रोटी बंद कर दूंगा उनकी। नंदिनी उठो, अंबर अंबर उठो। ये देखो भैया, हमारी पहली कमाई। क्या जरूरत थी तुम्हें ये करने की? क्या हम तुम्हें नहीं संभाल सकते? अरे कुछ चाहिए था तो हमसे कहती, हम कहीं से भी ला के देते। तुम्हें खिलौने बेचने की क्या जरूरत थी? अम्मा तुम्हें हमारे भरोसे छोड़ के गई है। पैसे हम कमाएंगे, तुम्हें जो भी चाहिए होगा हमसे कहोगी। अगर अभी पता होता कि आपको इतना दुख होगा तो हम खिलौने के बदले कभी पैसा नहीं लेते। अम्मा ने क्या कहा था याद है? अम्मा ने कहा था ना, राखी के दिन बहन अपने भाई के हाथ में उसकी रक्षा के लिए धागा बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए उसको वचन देता है। सोचिए क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है ना कि भाई बहन दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप हमारी रक्षा कर सकते हैं तो मैं आपकी रक्षा क्यों नहीं कर सकती? क्या आप मेरे बनाए हुए खिलौने नहीं बेच सकते? क्या हम मिलकर काम नहीं कर सकते भैया? और फिर नंदिनी के शुभ हाथों से बने खिलौनों ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। हम गांव के राजा से भाई राजा बन गए। आपको दिया वचन हम निभाते आए हैं अम्मा। नंदिनी और अंबर का हमेशा ध्यान रखा है हमने, लेकिन आज हम आपको एक और वचन देते हैं अम्मा। ये घर में आने वाले बच्चों को हम कोई दुख कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। इनके हिस्से का सारा दुख हम भाई बहनों ने बचपन में ही देख लिया है। माँ के बिना बच्चों का जीवन क्या होता है अच्छी तरह जानते हैं हम। इस घर में आने वाले बच्चों को यही आशीर्वाद दीजिए अम्मा कि उन्हें कभी कोई दुख ना हो, कभी किसी बात की तकलीफ ना हो और कभी उनके सर से माता पिता का साया ना हटे।